शिवपुरी हवाई पट्टी पर सड़क दुर्घटना में मृत राहगीर के रिटायर्ड कोर्ट बाबू के रूप में हुई शिनाख्त इवनिंग वॉक के लिए निकले थे। शिवपुरी शहर के देहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हवाई पट्टी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की हुई मौत के मामले में देर रात पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। इस सड़क हादसे में जान गंवा देने वाले शख्स की पहचान मोहम्मद कुरैशी उम्र 62 साल निवासी जवाहर कॉलोनी के रूप में हुई, जो पेशे से कोर्ट बाबू थे, जिन्होंने बीमारी के चलते नौकरी से समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था। बताया जा रहा है कि मृतक रोज की तरह शुक्रवार की शाम घर से इवनिंग वॉक के लिए निकला था, तभी रामराजा मैरिज गार्डन के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोहम्मद कुरैशी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा कर मृतक के शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए थे। देर रात मृतक की पहचान मोहम्मद कुरैशी के रूप में हुई थी। अब पुलिस हवाई पट्टी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। नाम है तुम्हारा? सागर कुरैशी। कहाँ के रहने वाले? जवाहर कॉलोनी। ये कौन थे जो खत्म हुआ? मेरे डैडी थे। क्या नाम था? मोहम्मद अहमद कुरैशी। उम्र कितनी होगी? 60 साल। साल। इनके पिताजी का नाम? जागीर मोहम्मद कुरैशी। जवाहर कॉलोनी में ही रहते? जी। क्या करते थे? कोर्ट में थे। कोर्ट में थे। बाबू जी तो रिटायर हो गए क्या? अभी है? रिटायर हो गए, ले लिया है थोड़ा का, 25-30 लिए ले लिया, गिर पड़ते थे। अच्छा, तो ये कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ठाटवाड़ होटल के सामने, वो रामराजा के वहाँ। रामराजा के सामने काई से हुआ है? कोई वाहन दे के चले गया है अज्ञात। क्या 3.5 साल से वो तो रनिंग करने जाते थे डायबिटीज के चक्कर में। अच्छा, क्या वो तो पीछे से कोई वाहन ने दे दिया टक्कर में? जो पैदल अकेले ही थे? रोज जाते थे वो तो। तुम्हें जानकारी कैसे मिली? हमको सर पुलिस ने दी थी। पुलिस ने दी 10 बजे तो वही मौत हो गई थी स्पॉट। हाँ, आपका पुलिस पीएम करा रही है जी। गाड़ी का मालूम पड़ पाया? नहीं।